गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आप लोगों में चैनल पर स्वागत है। और अभी मैं कल शाम को पहुंच गई थी घर पे, मतलब देहरादून में नहान से आ गई थी। और आने के बाद मैंने किचन में थोड़ी बहुत सफाई की और उसके बाद खाना खा के फिर मैं सो गई थी। और फिर उसके बाद आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन मैं कर रही हूँ सफाई घर की। और मतलब 4-5 दिन से, मतलब 1 हफ्ते से लगभग छोड़ के गए थे घर। तो जैसे घर छोड़ के जाते हैं और रहता है तो उस पता ही आप लोगों को कितना मतलब धूल मिट्टी जमा हो जाता है, तो काफ़ी जमा हो गया था। तो मैंने पहले डस्टिंग किया अच्छे से और उसके बाद फिर ये सारा मोटा झाड़ के फिर उसको अच्छे से बिछा दिया था। और साथ के साथ मैंने कपड़े भी धोने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि मशीन में डालने से ऐसा होता है कि कपड़े भी साथ के साथ धुलेंगे और मैं यहाँ पर काम भी करती रहूँगी। और ऐसा हो रहा था कि जैसे कि थकान हो रही थी कि कोई आके जैसे चाय खाना वगैरह बना दे। अकेले होने का यही होता है कि मतलब चाय जितना भी आलासा है कुछ भी हो तो खुद से बनाओ, अगर नहीं बनाओगे तो फिर भूखे रहो, तो ऐसा सीन हो जाता है। पर मेरा ऐसा है कि मैं चाहे अकेली भी होती हूँ तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ या भूखे पेट सो जाती हूँ या कुछ ऐसे खा के मतलब गुजारा करना, ऐसा काम नहीं है मेरा। मैं जैसे पूरा बंदोबस्त से खाना बनाती हूँ, मेरा ऐसा है कि मैं पूरा खाना बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि अकेले, कितनों को मैं देखती हूँ कि वो अकेले होते हैं तो वो कुछ खाना नहीं बनाते, जैसे मैगी खा लिया या एक रोटी खा लिया या कुछ कर लिया ऐसे करते। पर मैं अपना जैसे पूरा खाना मैं बनाती हूँ, चाहे मैं अकेले भी हूँ तो मैं जैसे दाल हो गया, भात हो गया, जैसे रोटी सब्जी होगी, मैं पूरा बना के खाती हूँ। और यहाँ पर मैं ये मिला रही थी, और ये जो कुशन कवर है ये काफ़ी टाइम हो गया मेरे को बिछाया हुआ, तो मैं ये सोच रही हूँ एक दूसरा लेके आऊँगी। तो और 2-3 तो है मेरे पास, वो थोड़ा पुराना हो गया है तो उसको मेरे को बिछाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं दूसरा लेके आऊँगी तो उसको बिछाऊँगी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और अभी मतलब उस तरफ का 2 रूम रेंट पे देने से मतलब अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा छोटा छोटा घर लगता है, पर चलो कोई नहीं, अब गुजारा करना है। और वैसे भी हम यहाँ पर कम ही रहते हैं तो इस वजह से, तो अभी देखिए मैंने झाड़ू लगा दिया है, अब पोछा लगाऊंगी। और कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, मैंने बाल्टी में मतलब निकाल के रख दिए है, तो पोछा लगाने के बाद फिर कपड़े सुखाऊंगी। और कहते हैं ना कि घर में अकेले होने से काम इतना नहीं होता, पर वो कहने की बात है, काम चाहे अकेले रहो, चाहे 2 जन रहो, चाहे 4 जन, काम उतना ही होता है। डेली का जो होता है, झाड़ू पोछा होता है, पूजा होता है, कपड़े धोना होता है, हर चीज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि अकेले में काम कम होता है। अभी देखिए मैंने कपड़े धो दिए थे, अब उसको सुखाने डाल दिए हैं। और आजकल धूप इतना कड़क है कि थोड़े 2-3 घंटे में सूख जाते हैं कपड़े। और आजकल के धूप इतना तेज़ है कि बाहर तो बिल्कुल निकलने का मन ही नहीं करता। अभी जैसे कपड़े सुखाने आई हूँ तो ऐसा हो रहा था कि कब फटाफट सुखाऊँ और नीचे जाऊँ रूम में, तो कहीं भी जाने का मन नहीं करता, कहीं मतलब मार्केट जाने का मन नहीं करता है और कहीं बाहर जाने का मन नहीं होता है ये धूप के कारण। तो अभी मैंने कपड़े सुखा दिए थे और ये शाम का टाइम है तो कपड़े भी सूख गए थे, तो मैं उठाने के लिए गई थी कपड़े। तो अभी मैं कपड़े तय करके रख रही हूँ, और कपड़े मतलब आज मैंने ज़्यादा कपड़े धो दिए हैं, क्योंकि थोड़े से कपड़े मैं अभी चंडीगढ़ गई थी तो उस टाइम भी था यहाँ पर धोने के लिए, वो रख के गई थी धोने के लिए। और कुछ कपड़े अभी जब मैं आई थी तो कुछ कपड़े मैले हो रखे थे, तो मैंने सारे कपड़े भी धो दिए आज, धोने के बाद सूख भी गए और उनको तेल लगा के मैं सबको रख रही हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मौसम इतना, कल रात से बारिश हो रही है और मैंने घर का काम भी ख़त्म कर लिया है, मैं पूजा भी कर लिया है, तो अभी चलते हैं मंदिर और पूजा करते हैं। और जैसे इसको पता है कि मैं जा रही हूँ तो यहाँ पर बैठा है। क्या? और बाहर का मौसम आपको दिखाती हूँ, हटाकर बाहर आनी ना, बाहर आनी ना, देखिए बाहर का मौसम, बारिश। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पहले वहाँ पर था, तो मैंने जैसे यहाँ पे रखा तो देखिए यहाँ पे पत्ते मतलब पहले सूखा सूखा जैसा हो गया था, तो अभी हरे हरे नज़र आ रहे हैं और ये सब में मतलब अच्छा हो रहा है। तो मेरे को समझ में आ गया कि इनको बाहर धूप में नहीं रखना है। तो अभी मैं चाय बनाया है, वो चाय बोलते हैं क्या,
चाय भूल गया था तो मैंने यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया, यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और आज मेरा है मंडे का व्रत, तो अभी चाय बन गई है, चाय पीते हैं। थोड़ा काम था ऊपर तक जाने का, पर अभी बारिश से मुझे लगता नहीं कि मैं निकल पाऊँगी, और अभी फ्रूट वगैरह भी है नहीं, तो अभी देखती हूँ आज दिन भर चाय या दूध पी के काम चलाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने चाय भी, तो चाय पी लेते हैं। तो मैं चाय पीते पीते देख रही थी कि थोड़ा बारिश कम होगा और उसके बाद मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी, पर बारिश ऐसा था कि बंद ही नहीं हो रहा था। तो मैं फाइनली बारिश थोड़ा कम हुआ था तो उसके बाद मैं बारिश में ही मैं चलेगी पूजा करने के लिए। और ये हमारे गांव का मंदिर है जो कि काफ़ी मान्यता है, और यहाँ पर सारे गांव के लोग पूजा करने आते हैं, और मैं भी सोमवार को जाती हूँ यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर एक शिवलिंग का मूर्ति है, शिवलिंग है, और तो साईं बाबा की फ़ोटो भी है, हनुमान जी की मूर्ति भी है, और दुर्गा माता की मूर्ति भी है। मतलब यहाँ पर हर प्रकार के भगवान की मूर्ति, फोटो, हर चीज़ है। और यहाँ पर मंगलवार में कीर्तन भी होता है जो कि हमारी कीर्तन मंडली करते हैं। तो मैंने पूजा भी कर लिया, और जैसे कि अभी मैं पूजा करके भी आ गई हूँ और घर का काम भी मैंने ख़त्म कर लिया। घर का पूजा तो पहले कर लिया था, उसके बाद मंदिर जाके पूजा करके आई हूँ। आगे कैसे हो गए हैं, अभी मैं जा रही हूँ पनीर लेने। जैसे कि आप लोगों को पता है आज मेरा व्रत था, तो अभी पहले मैं सोचती थी गाड़ी में जाती हूँ, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, तो अभी मैं पैदल जा रही हूँ। थोड़ा सा चलने की आदत छूट गई है, तो देखो सांस फूल रहा है चलने के बाद। तो यहाँ पर मैंने पूजा भी कर लिया है, तो अब चलते हैं, अब कुछ बनाती हूँ। पूजा करने आए मेरे साथ हैं? तो मैं यहाँ पर पनीर लेके आई थी जो कि 100 ग्राम ही लेके आई थी, क्योंकि अकेली हूँ तो इस वजह से ज़्यादा नहीं लेके आई। और यहाँ पर ताज़ा पनीर मिलता है और बहुत अच्छा भी है पनीर, तो मैं जैसे बीच में मेरा खाने का मन होता तो मैं वहीं से लेके आती हूँ। अगर वहाँ पर नहीं मिला तो और जगह से लाती हूँ, और जगह पैकेट का मिलता है वहाँ पर, वो घर पर बनाते हैं तो वो अच्छा पनीर है, तो मैं वहीं से लेके आती हूँ। तो मैं इस बार फ्राई करके बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को पिछली बार 2-3 कमेंट ऐसा आया था कि पनीर बनाते समय फ्राई करके बनाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं फ्राई करके नहीं बनाती, मैं फ्राई करके भी बनाती हूँ और नॉर्मल तरीके से भी बनाती हूँ, तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा फ्राई करके बना रही थी। और यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है और चाय भी थोड़ी सी बन रही है, तो मैं आज पनीर और पूरी बना के खा रही हूँ। तो देखिए ये खाना रेडी हो गया है मेरा, और पूरी और साथ में चाय। तो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा खाना रेडी हो गया है, और खाती हूँ, और खाने के बाद फिर ब्लॉग भी एडिट करना है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंडिंग करती हूँ, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।